राम मंदिर पूरे देश के सनातनियों की आस्था है, जो आज 600 साल के लंबे इंतजार के बाद भव्य और दिव्य बन रहा है। इसी को लेकर चित्रकूट पहुंचे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रकाश पाल से एनबी न्यूज ने एक खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। आज जनपद चित्रकूट में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी मौजूद हैं। वहीं 600 साल का एक लंबा इंतजार, जो कहीं ना कहीं रामलला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां पे चालू है, अनुष्ठान बड़े बड़े हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां होना है, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि रामलला अयोध्या में विराजमान? हम ही नहीं, देश के सभी सनातनी, सभी हिंदू जो पिछले 500 साल से कर्मचारी गण जो समूह बैठे हुए हैं विराजेंगे, और इसके लिए हिंदू समाज ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, लाखों लोगों ने अपना बलिदान भी दिया है। वो शुभ घड़ी 22 जनवरी को आ रही है, इसलिए पूरे देशवासी एक बड़े उत्सव के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या में शुरू हो गई, देश भर में सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है, और 22 जनवरी को एक दूसरी दिवाली, और पहले जो दिवाली मनाई है अभी, इससे भी बड़ा उत्सव ये होगा, क्योंकि पिछली बार तो 14 साल में भगवान राम वापस आए थे, अब की बार 500 साल का इंतजार करना पड़ा है, तो मुझे लगता है कि देशवासी इसको उसी क्रम में 14 की तुलना में जो 500 साल का उतने ज़्यादा उत्साह के साथ इसको एक भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम मनाएंगे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, और पूरा देश इसमें प्रसन्न है और पूरी इसकी तैयारी। वही राम मंदिर ये जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से तमाम दलों को भी दिया गया, उन्होंने ये जो निमंत्रण वो जाएंगे, जिन लोगों ने वहाँ राम का अस्तित्व नकारा हो, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियाँ चलाई हो, किस मुंह से जाएंगे? उनका मुंह ही नहीं है, वो अपने ही जाल में फंस गए हैं, और ये कहिए कि राम ही उनको नहीं बुला रहे हैं, उनको कृपा है ही नहीं, और उन्होंने जो कथित रूप से अस्वीकार किया है, कि भविष्य में पूरा हिंदू समाज देख रहा है, जो आज राम की चौखट पर नहीं जा रहे हैं, भविष्य में ये वोट मांगने हिंदू समाज की चौखट पर नहीं जा सकेंगे, उनको भगाया जाएगा, इसकी भी तैयारी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कहीं ना कहीं जो राम मंदिर अयोध्या में रामलला जो विराजमान हो रहे हैं, वहीं प्रकाश पाल जी ने बातचीत का जो दौरान बताया कि जितने सनातनी लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं का जो केंद्र है अयोध्या का मंदिर, वो कहीं ना कहीं इसको भव्य और दिव्य तरीके से मनाने की तैयारी चल रही है। वहीं विपक्ष को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई हो, वो किस मुंह से मंदिर जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे। मैं जनपद चित्रकूट से सुधीर मिश्रा।